हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। सावधान सावधान, अयोध्यापति सूर्यवंशी राजा रामचंद्र पधार रहे हैं। राजा, राजा राम? हाँ, राजा रामचंद्र जी, लो वो आ गए। आर्य, ये लक्ष्मण भैया क्या कह रहे हैं? हाँ देवी, महाराज की आज्ञा है कि कल सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र में श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक किया जाएगा। महारानी सीता को उनकी वाम भाग में राज सिंहासन पर विराजमान किया जाए। परंतु ये सब इतनी जल्दी क्यों? हाँ सीते, मैं भी यही सोचता हूँ, इतनी जल्दी क्यों? मुझे ये सब उचित नहीं लग रहा। इसमें अनुचित क्या है भैया? प्रथम तो ये कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, बड़े हुए, एक साथ हमारे विवाह हुए, फिर ये राज्याभिषेक केवल एक भाई का क्यों? क्योंकि राज की यही परंपरा है, ज्येष्ठ भ्राता ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। दूसरी बात ये कि भरत और शत्रुघ्न यहां नहीं है, उनके बिना ये उत्सव हमें नहीं भाता। कोई उमंग, कोई उत्साह मन में नहीं है। उत्साह और उमंग तो जनता के मन में जो उमड़ रही है वह देखने योग्य है। जहां जहां डोंडी पीटी जाती है वहां लोग खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राज युवक श्री रामचंद्र जी को कुलगुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। समस्त प्रजाजनों को महाराज की ओर से पधारने का निमंत्रण है। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। आनंद छायो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। चौक पुराओ जी चौक पुराओ, दिवला जराओ जी दिवला जराओ, फूल वाला ओ रे फूल
से सुंदर अयोध्या सजाओ, स्वर्ग से सुंदर अयोध्या सजाओ। जिन्होंने कमायो रे सजनी आयो शुभ दिन आयो रे सजनी आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। मस्तक उन चरणों में धरेंगे, रघुबर सबकी पीर हरेंगे, राम जी सबकी झोली भरेंगे, राम जी सबकी झोली भरेंगे। जगमगा रही है। हाँ सीते। भैया भैया भाभी, अयोध्या की गली गली चौक चौक में मैं घूम कर आया हूँ। नगर के किसी भी कोने में अंधेरे के लिए कोई स्थान नहीं। हाँ जीजी, राजमहल को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अच्छा देखो 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 भैया, प्रजा ने कितने दीपक जलाए हुए हैं। इससे पता लगता है प्रजा आपको कितना प्यार करती है। लक्ष्मण, प्रजा का ये जो इतना प्यार है, इस प्यार का पात्र बनना बड़ा कठिन कार्य है। मुझे तो लगता है मेरे जीवन की कठिनतम परीक्षा का समय आ रहा है।
प्यार का मूल्य चुकाना पड़ता है लक्ष्मण। अरे कुबड़ी, दिखता नहीं है क्या? आंखें भी फूट गई हैं। अमंगल करने सामने आ गई। ज्यादा बोलोगी तो फूट उजड़ जाऊंगी। अरे कुबड़ी, क्यों भबक रही है? आज तो हंसी और खुशी का दिन है। काय की खुशी, काय की खुशी? अरे बुढ़िया, आज हमारे राम राजा बनेंगे, राजा। अरे चल, ये तो रोती ही रहेगी। राम राजा बनेगा? अरे यही तो दुखड़ा है, सांप लौट रहा है छाती पर सांप। ये लो, और मेरे राम की मंगल कामना करो। महारानी जी की जय हो। अरे मेरी नहीं, मेरे राम की जय बोलो। ये मंथरा जाने कहाँ रह गई? ये मरी ऐसे ही करती है। अरे करमजली आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई, मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से ना देखूं। चुप रह, न जाने क्या बकबक करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। क्या मंथरा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ, मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए कर। मुंजली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा, सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करमजली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, उफ उफ, अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कुविचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है, और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो, भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। मंथरा, मेरे भरत की रक्षा करो। मंथरा, चुप हो जा, ये कैसा विष घोल रही है मंथरा, तू ये कैसा विष घोल रही है? विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन ना आता। तू समझती रही कि राजा तेरा गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तूने। पहले तो भरत को ननियाल भिजवा दी, और फिर राम के राज तिलक की तैयारी चटपट कर डाली। नहीं नहीं मंथरा, नहीं, जा चली जा यहां से। इस प्रकार मुझे मत बहका,
बड़े कुचक्र, ऐसे घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझ में किसने भर दी है? ऐसा व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंथरा, मत कर। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, हितेशी भी होते ही। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पांव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूं, मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं है। पर तू राजा की चहती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की, वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी चरण। दीदी? नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी, जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा, जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी? कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी? मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। कभी कभी कोई स्वार्थ हृदय में ऐसी अगन लगा, कर्तव्य उचित अनुचित सब कुछ खो जाए। दुनिया की कोई भी नारी सौतन सह ना पाए, इसी दाहने के कई के भी नहीं। मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसी पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मंथरा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा, मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा, तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं। इस समय तू 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 जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी वही बताऊं? और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास दो वर बाकी है। वरदान? क्यों, भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी।
युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे, तुम भी साथ थी। हाँ हाँ, उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए और वहीं मूर्छित हो गए। महाराज, महाराज आंखें खोलिए। तब तुम रथ को वहां से बड़ी कुशलता से निकाल कर लाई थी और महाराज के प्राण बचाए थे। राजा के शरीर में लगे हुए तीर तुमने निकाले थे और उनके प्राणों की रक्षा की थी। और तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी रानी, मैं तुम्हें दो वरदान देता हूं, मांग लो क्या मांगना है। तुमने कहा था, फिर कभी मांग लूंगी। वो दो वरदान मांगने का समय आ गया है जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राज तिलक। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर, और दूसरे में? दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना मंथरा, रूठ मत, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ, मुझे समझा कर कहना, अवश्य ही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं, बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। जय हो महारानी जी की। जाओ महाराज, जहां भी हो उन्हें मेरा संदेशा दो, महारानी कैकेयी ने इसी क्षण अपने भवन में बुलाया है। जाओ। जो आगे। मैं महाराज के दर्शन करना चाहती हूँ इसी समय। इस समय किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। महारानी कैकेयी का विशेष संदेश है। फिर भी नहीं। तुम्हारा ये साहस, महारानी की दासी को रोक रहे हो, इसका परिणाम जानते हो? हम केवल राज आज्ञा का पालन जानते हैं। महाराज से निवेदन कर देना कि छोटी महारानी शीघ्र मिलना चाहती है। राम, कल तुम्हारे सिर पर राजमुकुट पहनाया जाएगा, परंतु ये याद रखना, जो राजमुकुट पहनता है वो अपने आप को अपने देश और अपनी प्रजा के हाथों सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना, फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को देश के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, यहां तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। जो देश के लिए अपना सब कुछ नहीं त्याग कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं। राजा को अपने हर आचरण से एक मर्यादा, एक आदर्श स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि
प्रजा उसी को देखकर आचरण करती है। एक राजा की मूल शक्ति दंड नहीं, न्याय है। न्याय जो पक्षपात से रहित हो और जो संकुचित भी ना हो, क्योंकि न्याय करते हुए उदारता को भी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा को पृथ्वी का भगवान कहा गया है, क्योंकि लाखों प्राणियों का जीवन मरण, सुख दुख उसके हाथ में होता है। इसलिए उसमें दया, क्षमा, उदारता आदि भगवान के गुण होने चाहिए। युद्ध भूमि में राजा को अपनी सेना के आगे रहना चाहिए। जो स्वयं वीर नहीं होता, सेना उसका आदर नहीं करती। राजा को चाहिए ऋषियों, विचारकों और कवियों के आगे सदा नतमस्तक रहें, क्योंकि वही पथ प्रदर्शक होते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उसके जो अंतरंग और निस्वार्थ मंत्री हों, उनकी आलोचना का आदर करे, उन पर भरोसा करे, फिर भी अपने मन की गूढ़ बात अंत तक अपने मन में रखे। राजा को चाहिए अपने गुप्तचरों द्वारा राज्य की पूरी खबर रखे। मैं जानता हूं राम कि तुम स्वयं राजनीति के पूर्ण ज्ञाता हो, परंतु एक जाने वाले राजा का यह कर्तव्य है कि वो आने वाले राजा को अपने अनुभवों से अवगत कराए। देख लिया, महारानी कई कई का संदेशा होते हुए भी दासी को महाराज के पास नहीं जाने दिया। अभी तो राम गद्दी पर बैठा ही नहीं तो ये हाल है। मैं भी देखती हूँ कैसे बैठता है वो राज गद्दी पर। यही तो देखना है कि ये उबाल महाराजा के मीठी मीठी बातों में कहीं ठंडा ना हो जाए। सावधान रानी, आज पति की चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल गई तो जन्म भर कर्म फोड़ती रहोगी। अरे वो आए तो सही, पहले अपने दिए हुए वचन पूरे करवाऊंगी। हाँ हाँ, उतावले में बाजी हाथ से निकल जाएगी। उतावलापन कैसा मंत्रा, अब समय ही कहाँ है। फिर भी निशाना साथ के तीर चलाना चाहिए। तो अब तू ही बता मैं क्या करूं। इस समय तो सारी अयोध्या में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं। तू जिस रास्ते पर मुझे चलाएगी मंथरा, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। रास्ता तो एक ही है, त्रियाचरित्र। त्रियाचरित्र दिखाना है तो पूरी तरह दिखाना। सबसे पहले तो तू ये अपना साज सिंगार उतार कर फेंक दे, निकाल दे ये गहने सब। चली जा सीधी को भवन में। जल से निकली मछली की तरह धरती पर तड़पती रहना। रो रो के आंखें सुजा लो, भले ही झूठे आंसू हो। फिर उसे क्या होगा। तुम्हें इस बुरी हालत में देख के महाराज के होश उड़ जाएंगे। फिर वो तेरी मिन्नत करेंगे, तेरे पैरों पड़ेंगे। रानी, तेरी ये दशा क्यों है, तेरी ये हालत क्यों है रानी। अरे मेरे प्राणों से प्यारी, मुझसे बात तो करो। लेकिन सावधान, बात ना करना, केवल आंसू बहाती रहना। लंबी 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 आहें भरना। लेकिन प्राणनाथ को किसी बात का उत्तर मत देना। फिर मैं वो दोनों वर कब मांगूंगी। अरे बताती हूँ ना। देख, पहले लेना राम की स्वगन उठवा लेना, फिर मन की बात कहना। राम की सौगंध जब तक ना उठाए, अपनी मांग
कदापि ना कहना। भूलना मत, याद रखना। कुछ निवेदन है प्रजापालक। कहो, क्या कहना चाहते हो? क्षमा महाराज, राज राजेश्वरी देवी कैकेयी की परिचारिका अंदर आना चाहती थी, किंतु राज आज्ञा के कारण उन्हें रोक दिया गया। क्यों आई थी? संदेशा लाई थी, महारानी जी श्री महाराज के इसी क्षण दर्शन करना चाहती। वत्स, तुम अपने कक्ष में चलो, गुरुदेव वशिष्ठ जी वहीं पधारेंगे, वो तुमसे और सीता से इस अवसर पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं। जो आज्ञा। हे जितेंद्रिय, तुम्हारे कल्याण के लिए हम तुमसे जो पूजा का अनुष्ठान कराने आए हैं, उसके लिए आज तुम्हें व्रती होना पड़ेगा और उपवास रखना होगा। कल राज सिंहासन ग्रहण करने तक तुम दोनों को मनसा वाचा कर्मणा आत्मशुद्धि के साथ संयम पूर्वक रहना होगा और धरती पर कुशा का आसन बिछाकर सोना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। देवी, देवी कैकेयी, मंथरा, 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 मंथरा। जय हो महाराज। देवी कैकेयी दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? महारानी जी को भवन में चली गई हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किए की प्यास बुझत न बुझाए।